हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट। ये जो वीडियोस है ये सीरीज़ में आएगी, और जो एनसीईआरटी का चैप्टर है हम इसे पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अगर आपने पूरी सीरीज़ की वीडियो देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, आप क्वेश्चन लगाओगे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फिर कोई दूसरी वीडियो की जरूरत कर पड़ेगी। इसलिए आप अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे क्या होएगा जो वीडियो आएगी सीरीज़ में उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। तो आपको पता होगा जो एसिड है उसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है एसिड की, जो आपको सिखाया जाता है बचपन में, कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है इसमें आप देखो क्या लिख रखा है, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स बेस एंड सोल्ट। तो एसिड की जो डेफिनेशन होती है वो अब तक आपने क्या पढ़ी है, सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ये पहली इसकी क्या है, प्रॉपर्टी हो गई। बेस के बारे में क्या बोलते हैं हम, आपको सुना होगा आपने और पढ़ा भी होगा कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और सोपी टू टच, ठीक है, साबुन जैसा होता है टच करने में। और सोल्ट्स के बारे में क्या पढ़ा होगा आपने, सोल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस को अगर आप मिला दो तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में वाटर बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एसिड प्लस में बेस क्या दे रहे हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। और इस रिएक्शन का नाम भी पता होगा आपको, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ये जो एसिड बेस और सोल्ट की आप डेफिनेशन पढ़ी आपने कि एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ते हो। मेन डेफिनेशन एसिड्स की क्या होती है आप उसे समझो आप ध्यान से, क्योंकि ये जो है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अगर आपने 11th में साइंस ली और 12th में साइंस ली तो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये चैप्टर है एसिड बेस का। तो दोस्तों देखो, एसिड का क्या दूसरा पॉइंट लिख रखा है इसमें, देखो क्या लिख रखा है, गिव एच प्लस और एच थ्री ओ प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जो एसिड होते हैं वो पानी के अंदर क्या देते हैं, एच प्लस आयन देते हैं, या फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं, एच थ्री ओ प्लस। एच थ्री ओ प्लस जो यहाँ पे लिख रखा है, ये जो एच थ्री ओ प्लस यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, H प्लस बोलो आप या फिर बोलो आप एच थ्री ओ प्लस बोलो, एक ही बात है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझोगे। जैसे मान लिया आपके पास कोई एक सब्सटेंस है HCl। अब ये HCl अगर एसिड है तो ये पानी के अंदर क्या देगा, एच प्लस आयन देगा। तो देखो HCl में एच है, ये किस में निकल जाता है, एच प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, प्लस में क्या मिलेगा हमें, Cl माइनस मिलेगा। तो ये HCl ने क्या दिया हमें, H प्लस दिया। तो यहाँ पे जो HCl है ये क्या माना जाएगा, एसिड माना जाएगा। तो एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड्स गिव्स H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। अब बेस क्या देंगे फिर, तो बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि जो बेस जो होते हैं वो क्या देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, OH माइनस आयन। जैसा कि आप देख सकते हो इस टेबल में लिख रखा है, गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या है यहाँ पे, पानी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक Na प्लस मिलेगा, और क्या मिल जाएगा आपको, OH माइनस मिल जाएगा। तो इसने क्या दिया, OH माइनस दिया, इसका मतलब जो NaOH है ये क्या है, एक बेस है। तो सिंपल सी बात है, एसिड पानी के अंदर H प्लस देते हैं और बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये भी आपने 9th में पढ़ ली होगी, लेकिन आपको मैं एक थर्ड चीज़ बताता हूँ जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं किसी से। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ,
अगर आपके पास है सीएल माइनस है, ठीक है, और एक चीज है आपके पास एच प्लस है, तो देखो एच प्लस क्या है, कटाइन है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और सीएल माइनस है तो ये क्या है यहाँ पे, अनाइन है। अब जो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप कैसे बताओगे? तो देखो एच प्लस क्या है, कटाइन है, प्लस का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एच प्लस क्या करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे एच प्लस किसकी तरह कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब सी एल माइनस के ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है, माइनस का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाली जो स्पीसीज होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो सी एल माइनस यहाँ पे बेस हो गया, और एच प्लस क्या हो गया, एसिड हो गया। इसका मतलब जितने भी कटाइंस होते हैं, जितने जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, और जितने भी अनाइंस होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आप इसे 11th में डिटेल में पढ़ोगे, इसको बेसिकली लुईस एसिड एंड लुईस बेस के नाम से समझते हैं। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी एसिड और बेस की, ठीक है। अब सॉल्ट के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो आप बस इतना समझो कि अगर एसिड और बेस को मिला लिया आपने तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस में वाटर मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूँ जिससे आप समझ सकते हो। जैसे मान लिया आपने एक एसिड लिया HCl, प्लस में आपने बेस डाल दिया NaOH, तो इन दोनों की वजह से मिलेगा कि आपको, देखो यहां से आप क्या निकाल दो, NaCl निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, प्लस में क्या मिल जाएगा, ये H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। तो देखो क्या हुआ, एसिड और बेस ने मिलकर क्या दिया, NaCl दिया, प्लस में वाटर दिया, तो NaCl यहाँ पे क्या है, सोल्ट है, और पानी भी दे दिया। तो इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस पूरी रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन थी एसिड बेस एंड सोल्ट की, ये आपको तो पता ही होना चाहिए। एक चीज आपको और पता होती है कि जो एसिड है वो पीएच स्केल पे जो उनकी वैल्यूज होती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है, और जो बेस है उनकी पीएच स्केल पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताओ मेरे को, जो पानी है H2O वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि पानी जो है वो एसिड कहलाएगा या फिर बेस कहलाएगा या फिर न्यूट्रल भी कहला सकता है। अब देखो पानी क्या होता है, H2O होता है। अब पानी हमें क्या देगा, H प्लस देगा, और क्या देगा हमें, OH माइनस देगा। पानी हमें क्या देगा, H2O से H प्लस मिलेगा, और क्या मिलेगा, OH माइनस मिला। तो देखो H2O ने H प्लस दिया तो H प्लस जो देगा वो एसिड कहलाएगा, OH माइनस दिया तो OH माइनस जो देता है वो बेस कहलाता है। तो ये तो दोनों ही चीज़ दे दे रहा है, तो मतलब ये एसिड भी कहलाना चाहिए और बेस भी कहलाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो पानी है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू उसकी क्या होती है, 7 होती है। तो ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। और आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज, या फिर बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एसिड बेस सॉल्ट और एक अलग कैटेगरी मैंने आपको बताई एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की। अब दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है कि जो एसिड है, सेकेंड पॉइंट में बोल रखा है कि एसिड को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है। तो आप देखोगे इसमें जो एसिड को क्लासिफाई कर रखा है सेकेंड पॉइंट में, वो बेस कर रहा है कि एसिड कहाँ से पाए जाते हैं। तो एसिड आपको दो भागों में बांट रखा है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है जो लिविंग चीजों से मिल रही है हमको। देखो इसमें क्या लिख रखा है, एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो लिविंग चीजों से हमें मिल रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। आपने सुना होगा नाभ,
हम सिरके का नाम सुना होगा आपने, चौमिन में यूज करते हैं सिरका, वो क्या होता है, CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब ये कहाँ से मिलता है आपको एसिटिक एसिड, चींटियों में पाया जाता है, तो लिविंग चीज है वो। तो इसका मतलब जो एसिटिक एसिड हुआ वो कैसे टाइप का एसिड हुआ, एक ऑर्गेनिक एसिड हुआ। तो जितने भी एसिड जो हमें लिविंग चीजों से मिले हैं, आइदर एनिमल से या फिर प्लांट से, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वीक एसिड होते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है, दे आर वीक एसिड्स एंड आर नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हार्मफुल नहीं है तभी तो हम सिरके के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर हार्मफुल होता, अब देखो H2SO4 होता है, कितना हार्मफुल होता है, इसलिए हम उसे कभी यूज ही नहीं करते खाने के पर्पस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप डालो तो जल जाता है सरफेस H2SO4 से, तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है वो। तो ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट से और जो एनिमल से ड्राइव होते हैं, जो वहां से मिलते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं और नॉट हार्मफुल होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड आपने सुना होगा फ्रूट्स में मिलता है हमको। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड, जो किस में मिलता है, विनेगर में। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आप और समझ सकते हो, ऑक्जैलिक एसिड, जो हमें किस में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड है जो आपको शुगर में, मिल्क में मिलता है और दही में मिलता है। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है एसिड का, मिनरल एसिड में। तो मिनरल एसिड का मतलब क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। दे आर डेंजरस एंड कोरोसिव, स्पेशल प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग देम, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सिंपल सी बात है, मिनरल एसिड का मतलब है जो मिनरल से मिल रहे हैं, जो कंपाउंड से मिल रहा है, जो धरती के अंदर जो कंपाउंड्स डिग हो रखे हैं उनके अंदर से जो एसिड मिलता है उनको हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल एसिड्स बोल रहे हैं। अब ये कोई प्लांट से तो मिल नहीं रहा, ना कि एनिमल से मिल रहा है, जो हम इसे ऑर्गेनिक बोलेंगे, इसलिए मिनरल एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मिलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मैंने आपको बताया ना H2SO4 बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एसिड है, थोड़ी सी ड्रॉप भी डालो तो सरफेस जल जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाता है H2SO4 को जब आप यूज़ करो तो। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके एब्डोमेन में, पेट में भी मिलता है, जो खाना पचाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन एसिड का, कि एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे, थर्ड अगर आप पॉइंट देखो तो क्या लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रोंग एसिड्स, वीक एसिड्स। ठीक है, हमने जो क्लासिफिकेशन करा है एसिड और बेस का, वो किसके बेस पे करा, कि एसिड कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो दो कैटेगरी आएगी, एक आया स्ट्रोंग एसिड और एक क्या आया, वीक एसिड। तो स्ट्रोंग एसिड क्या होते हैं, विच आर कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और वीक एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर डू नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट आप समझो। जैसे मान लिया आपने लिया HCl और एक जगह लिया आपने CH3COH लिया। अब HCl को आपने पानी में डाला, मैंने बोला आपको कि HCl आपके पास जो है वो कितना है, 100 ml है। ठीक है, कितना है, 100 ml है। अब HCl को आपने पानी में डाला और ये 100 ml में से समझ लो आप 98 ml टूट गया। ठीक है, HCl किस में टूटेगा, H+ के फॉर्म में टूटेगा, और किसके फॉर्म में टूटेगा, Cl- के फॉर्म में टूटेगा। तो HCl आपने 100 ml लिया था और ये 98% टूट गया पानी के अंदर, किसके फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। ठीक है, ये टूट गया H+ की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में टूट गया, Cl- की फॉर्म में। तो ये 98% टूट गया पूरा। अब दूसरी चीज आपने क्या ले रखी थी, CH3OH ले रखा था, एसिटिक एसिड ले रखा था, CH3COOH ले रखा था। अब ये जो है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, और आपको पता है जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप CH3COOH को पानी के अंदर डालोगे तो ये टूटता है। तो देखो कैसे टूटता है, ये टूटता है CH3COO- के फॉर्म में, प्लस में ये क्या देगा, H+ देगा आपको। तो CH3COOH का भी आप मान लो 100 ml लिया था आपने, लेकिन 100 ml से
इसने कम से कम 20% टूटा है पानी के अंदर, CH3CO- के फॉर्म में और H+ के फॉर्म में 20 ml ही टूटा, मतलब 20% ही टूटा। HCl तो 98% टूट गया पानी के अंदर, लेकिन CH3COH किसकी कितना टूटा, सिर्फ 20%। तो जो ज्यादा अमाउंट में टूटता है पानी के अंदर, टूटने का मतलब है डिसोशिएट होना आयंस के फॉर्म में। CH3COH आयंस की फॉर्म में टूटा, देखो CH3CO- के फॉर्म में टूटा, प्लस में H+ के फॉर्म में टूटा, ये आयंस के फॉर्म में टूट गया 98% अगर HCl, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो कम टूटे 20% टूटा तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में, उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल क्या है देखो, आप एग्जांपल्स है देखो, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने सुना भी होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो H2SO4 है वो पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिसोशिएट हो जाता है। अगर आपने 100 ml लिया तो समझ लो आप 98% पानी के अंदर वो डिसोशिएट हो गया होगा अपने आयन के फॉर्म में। वहीं बात हम करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या है, जैसे CH3COH हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया। तो ये सब अगर आप पानी में डालोगे, तो आपने 100 ग्राम लिया है कोई चीज, तो ये बहुत कम ही टूटेगा, 5 ही ग्राम टूटेगा, 10 ही ग्राम टूटेगा। ठीक है, तो 5-10% ही जो पानी में टूटे, तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। अब जो फोर्थ कैटेगरी है, अब अगर आप फोर्थ कैटेगरी पढ़ोगे तो क्या लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। एसिड कि कंसंट्रेशन आपने कितनी ले रखी है, उसके बेस पे आपने एसिड को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। देखो क्या क्या कर रखा है, डाइल्यूट एसिड में और कंसंट्रेटेड एसिड में। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ कि डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक सुना होगा आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बिल्कुल वैसा ही है। देखो आपने मान लिया आपके पास 2 बीकर हैं, बीकर ए और बीकर बी। अब आपने क्या करा, इसके अंदर पानी भरा, दोनों के अंदर आपने 1 लीटर पानी भर दिया, इसके अंदर भी 1 लीटर पानी भर दिया। अब आपने क्या करा, देखो आपने करा यहाँ पे, इसके अंदर HCl डाला और इसके अंदर भी HCl डाला, लेकिन पहले वाले केस में, ए के केस में आपने जो HCl डाला है वो डाला है सिर्फ 100 ग्राम। ठीक है, ए के केस में 100 ग्राम HCl आपने किस में डाला है, 1 लीटर पानी में। लेकिन दूसरे वाले केस, बी के केस में आपने क्या करा, आपने 1000 ग्राम डाला है, मतलब 1 किलो मान लो आप। ठीक है, 1 किलो आपने HCl डाला है बी के केस में। अब देखो 1 लीटर पानी दोनों के अंदर है, लेकिन ए के केस में जो आपने HCl डाला वो बहुत ही कम डाला, और बी के अंदर पानी क्या है, 1 लीटर उतना ही है, लेकिन आपने HCl ज़्यादा डाला है, बहुत ही ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा डाल दिया आपने, 1000 ग्राम डाल दिया। तो देखो अगर ज़्यादा पानी के अंदर एसिड कम मिला हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ए वाला केस कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड भी बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा और दूसरा सब्सटेंस कम, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट अगर कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एसिड डाल रखा है तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। बी के केस में आप देखोगे तो पानी 1 लीटर है और एसिड भी बहुत ज़्यादा है, 1 kg है, तो सॉल्यूट भी ज़्यादा है और सॉल्वेंट भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए सॉल्वेंट से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बी वाला जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन हमने यहाँ पे एसिड डाल रखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन। सिंपल सी बात थी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ।